दोस्तों, शेर और बाघ कभी आपस में भिड़ जाएं तो जीत किसकी होगी? वैसे अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो राजा महाराजाओं द्वारा अपने मनोरंजन के लिए शेर और बाघों की लड़ाई आपस में करवाते थे, यह देखने के लिए कि कौन कितना ताकतवर है। लेकिन वहीं आज के समय में अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर को आपस में नहीं लड़वा सकते। लेकिन पहले के प्राचीन समय में राजाओं द्वारा शेर और बाघ को कई दिनों तक एक बंद पिंजरे में भूखा रखा जाता था और फिर उनको चार दीवारी के अंदर छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी यह पता नहीं लगाया जा सका कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, शेर या बाघ। लेकिन आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल का राजा शेर को क्यों कहा जाता है और शेर में ऐसी कौन सी खूबी है जो बाघ में नहीं है। अगर बात करें दोस्तों इन दोनों के आकार और ताकत की, तो बाघ शेर से काफ़ी बड़ा होता है और बाघ भालुओं के बाद दूसरा धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। वहीं भारतीय बाघ का वजन लगभग 220 किलोग्राम तक होता है, जबकि भारतीय नर शेर का वजन लगभग 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। वहीं अफ्रीकी शेरों की लंबाई 8 फीट और ऊंचाई 3 फीट से अधिक होती है, और शेरों की तुलना में भारतीय बाघों की औसत लंबाई 10 फीट और ऊंचाई 4 फीट तक होती है। वहीं शेर के जबड़े 650 PSI की ताकत से काट सकते हैं, जबकि बाघ 1050 PSI की ताकत से काट सकता है। वहीं बाघ की छलांग और पंजा मारने की ताकत शेरों से काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा बाघ का वजन शेर से अधिक होने के बावजूद भी वर्टिकल पोजीशन में 15 फीट तक की छलांग बाघ मार सकता है, जबकि शेर का वजन बाघ की तुलना में काफ़ी कम होता है, फिर भी यह वर्टिकल पोजीशन में 12 फीट तक की छलांग मार सकते हैं। तो इस तुलना से यही पता चलता है कि अगर बंगाल टाइगर से अफ्रीकी शेर भिड़ जाए तो बाघ ही विजेता होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही बाघ शेर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर गया है वहाँ बाघों की एक भी नहीं चली है, क्योंकि शेर झुंड में रहते हैं जबकि बाघ अकेला रहता है। और शेरों की इसी रणनीति की वजह से शेर बेचारे अकेले बाघ पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि कई सारे शेर बाघ पर हमला बोलेंगे और बाघ को मार डालेंगे। लेकिन अगर कहीं अकेले में शेर और बाघ आपस में लड़ाई की, तो बाघ को अधिक कुशल शिकारी होने के कारण जीत बाघ की ही होगी, क्योंकि बाघ अकेले अपने दम से शिकार करने की वजह से इसमें शिकार करने की हुनर शेरों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। वहीं आलसी शेर शिकार करने की वजह पूरा दिन सोता रहता है और शिकार शेरनियाँ करती हैं, जबकि शेरनियों के द्वारा किए गए शिकार पर सबसे पहला हक शेर का ही होता है। ऐसे में शेरनियाँ किसी दासी की तरह शेर की सेवा करती रहती हैं और शेर एक राजा की तरह रहता है। वहीं बाघ को अपने खाने के लिए खुद ही शिकार करना पड़ता है, ऐसे में बाघ राजा कैसे हो सकता है, जबकि शेर किसी राजा की भांति अपने झुंड का अगुवाई खुद करता है। और शेर अपने झुंड की वजह से बड़े बड़े जानवरों को भी चारों खाने चित कर देते हैं, जबकि अकेले बड़े जानवरों का शिकार करना बाघ को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।